अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनाल का किचन। लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यूनिक पराठे, आलू के पराठे बना रहे हैं हमारे घर के स्टाइल में। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी और शुरू करते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अच्छा, ये हम तैयारी कर रहे हैं आलू के पराठे की। तो उसके लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेरे पास तकरीबन 1 kg आलू है जिन्हें बॉईल करके और मैश करके रख लिए। जो इन ड्राई मसाले जाएंगे, ये है 1/2 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला 1/2 teaspoon, क्रश चिली रेड 1 tablespoon, जीरा 1/2 teaspoon, दालचीनी पाउडर 1/2 teaspoon, मोरिंगा पाउडर 1/2 teaspoon, काला नमक 1/2 teaspoon, अजवाइन 1/2 teaspoon, गरम मसाला 1/2 teaspoon, चाट मसाला 1/2 teaspoon। अच्छा, ये अजवाइन और ये आमचूर पाउडर है, ठीक है। 1/2 teaspoon आमचूर पाउडर और 1/2 teaspoon ये अजवाइन और ये आमचूर पाउडर, ठीक है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम मिलाते हैं इसमें। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए ड्राई मसाले के, अच्छा इसमें जो मसाले जाएंगे, चॉप्ड 1 cup ग्रीन धनिया जिसे साफ़ करके वॉश करके ब्रीक चॉप करके रख लिया था, ये जाएगा। फ्रेश हल्दी, अगर ये ना मिले तो आप ड्राई हल्दी यूज़ कीजिए। ये फ्रेश हल्दी लाइक कहते हैं जिस तरह अदरक होता है ना, टर्मरिक, ये टर्मरिक है, ठीक है, फ्रेश टर्मरिक। ये गया। अच्छा, ये है ग्रीन अनियन, ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट के साथ ही अनियन है। इसके साथ ही गार्लिक है, गार्लिक का जो ग्रीन पार्ट है ये वो है पूरा, होल गार्लिक ग्रीन। ये गया। अब सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये है हमारे रोटियों का मसाला, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए घर का आटा जो वीट फ्लोर है, ये आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चक्की का आटा, ठीक है। ये मैंने इसका मीडियम साइज पेड़ा बना लिया। अब हम इसको थोड़ा सा बेलते हैं और आपको आलू का हम किस तरह से बनाते हैं रोटी और दिखाते हैं पराठा, ठीक है। आलू का पराठा बताते हैं किस तरह से। ये ऑयल भी हम अंदर लगाएंगे और अंदर आलू का जो मसाला बनाया है वो भी लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, इसको हम अच्छे से बारीक और पतला बेलेंगे, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे इस तरह से। अच्छा, ऑयल लगा के इस तरह से चम्मच से फैला देंगे, इससे ये कि रोटी सॉफ्ट और फूलेगी अंदर से। अब हम लेयर में इस तरह से ना इसको फैला देंगे पूरी रोटी के ऊपर। आगे आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरह हमने तैयार करना है। ये पूरा हमने इस तरह मसाला इस पर आलू का लगा दिया, हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह टर्न करके इसे पूरा हम बंद करेंगे, ठीक है। रहिए मेरे साथ साथ और देखते रहिए रेसिपी को। ये बहुत ही क्रिस्पी पराठा है, बनाइए एक नए स्टाइल से। इसे मैं फाइनल लुक देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसे हमने बंद कैसे करना है। अच्छा, ये देखिए मैंने इस पर इसको इस तरह से सेट कर लिया। अब हम इसका इसी का पेड़ा बनाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। इसका पेड़ा हम बनाते हैं। अच्छा, एक को बना के हमने रख लिया साइड पे, अब हम आपको दूसरा बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें लगा रहे हैं खुश्क वाला आटा और इसको बेल रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइज़ नहीं कीजिएगा वरना आपसे हैंडल नहीं होगा। थोड़ा सा मोटे साइज़ का होता है क्योंकि इसमें आलू का बैटर भी है। तो आप ये देखिए बहुत अच्छा पराठा बना है। इसे ज़्यादा हीट पर नहीं बनाइएगा, इसे एक तरफ से हो जाए तो हम सेकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दें हम ऊपर, ये हेल्दी भी है आप लोगों के लिए, अच्छा ऑप्शन भी है कभी कभी खाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट पराठा ये, इसे हम सेक रहे हैं हल्की हीट पे, ज़्यादा हीट पे नहीं रखिएगा। ये हो जाएगा 5 मिनट में, तो उसको उतार के हम दूसरा डालते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक तरफ से ये गोल्डन हो गया है, तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट लगेंगे एक पराठे को आपको बनाने में। बहुत अच्छा क्रिस्पी और क्रंची पराठा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे डिश में निकालते हैं और मैं एक और उतार लूँ तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। रहिए मेरे साथ साथ मनाल के किचन में, देखते रहिए एक नए स्टाइल की रेसिपी मेरे घर के अंदाज में। और भी कई तरह के पराठे हम आप लोगों को सिखाएंगे आइंदा, रहिए मेरे साथ साथ, देखते रहिए। चैनल पे आइए, चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके घर तक आती रहे। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है।
अच्छा, ये आलू के दोनों पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नया अंदाज है, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ हैं। और दुआ में याद रखिएगा, लेकिन आप इसे सर्व कीजिए चाय के साथ। मैं इसे दही और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। रहिए मेरे साथ साथ मनाल के किचन में, बनाते रहिए रेसिपी मेरे घर के स्टाइल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।